शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के हरियाणा महासचिव और CIDU राज्य सचिव हूँ। जो स्कीम वर्कर्स के बारे में साथी ने बताया, आंगनवाड़ी के अंदर भी सरकार जो है बहुत बढ़िया बदलाव करने जा रही है और कोरोना की आड़ में सरकार ने जो एक नाटकबाजी शुरू की है हरियाणा के अंदर कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो है प्री नर्सरी क्लास के अंदर टीचर का दर्जा दिया जाएगा और उसके अंदर BA MA JBT NTT एक दर्जा उन्होंने रखा है कि ये शर्तें जो पूरी करेंगी उनको टीचर बनाया जाएगा। इसमें हमारा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर 52,000 वर्कर हेल्पर है, अगर सरकार वाकई में ही ICDS को मजबूत करना चाहती है तो 26,000 सेंटरों को सरकार मजबूत करे, अन्यथा ये जो डिग्री के नाम पे हमारे बीच में जो दो फाड़ करने की सरकार ने सोची है इसकी हम निंदा करते हैं। और अगर सरकार BA MA JBT को टीचर बनाना चाहती है वाकई में ही, तो हम ये मांग करते हैं कि उन आंगनवाड़ी वर्कर्स को टीचर के रूप में ज्वाइन कराएं और जो एक अध्यापक को तनख्वाह मिलती है वही तनख्वाह दी जाए। लेकिन सरकार इसमें जो है बहुत बड़ा नाटक करके आंगनवाड़ी वर्कर को तनख्वाह वही आंगनवाड़ी वर्कर वाली मिलेगी, लेकिन उसको काम जो है एक अध्यापक की तरह स्कूल के अंदर उसी स्कूल टाइम में जो ड्यूटी होती है बायोमेट्रिक का हाजिरी होती है उसको एजुकेशन और ICDS दोनों डिपार्टमेंटों का काम करना पड़ेगा। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से कि सरकार अगर ऐसा करना चाहती है तो उनको टीचर के रूप में भर्ती मिले और जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बच गए हैं उनके लिए भी सरकार जो है उनको भी प्री नर्सरी क्लास के रूप में उनको ज्वाइन करवाए और इस ढांचे को मजबूत करे। मैं सुरेखा CITU राज्य अध्यक्ष और आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की राज्य की महासचिव, आज हमने ये अपनी जनरल बॉडी मीटिंग की है इस बात के लिए कि स्कीम वर्कर्स की पूरे देश में 7, 8 और 9 अगस्त को हड़ताल है। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि ये जो कोविड के दौरान सरकार ने काम लिया है स्कीम वर्कर से, लेकिन उसके बदले में ना उनको कोई सुरक्षा उपकरण दिए हैं और ना ही उनको कोई जोखिम भत्ता दिया गया जिसकी हमने बार बार मांग की है, लेकिन वो हमारी बातें सरकार ने अनसुनी की हैं। तो उसकी हम मांग के लिए आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये तमाम जो निजीकरण के फैसले सरकार ने इस दौरान लिए हैं इसके लिए जो देश बचाओ 9 अगस्त को सत्याग्रह है इसके अंदर भी भागीदारी करेंगी तमाम वर्कर। हमारी मांगे हैं कि तमाम स्कीम वर्कर्स को पक्का कर्मचारी बनाया जाए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी स्थायी किया जाए, हमें सामाजिक सुरक्षा दी जाए और तमाम तरह के जो कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ तमाम दिए जाएं। कोविड के दौरान जो काम किया जा रहा है इसके लिए अलग से इंसेंटिव प्रोत्साहन राशियां तमाम स्कीम वर्कर्स को दिया जाए और उनको सुरक्षा उपकरण मुहैया करवाए जाएं। इन्हीं मांगों को लेके 7 और 8 अगस्त को 9 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। अभी तक तो हमारे बहुत सारे पहले से प्रोग्राम चले हुए थे लेकिन मार्च में हमने तमाम प्रोग्राम स्थगित किए थे। सरकार ने हमसे अपील की थी कि अब कोविड चल रहा है तो कोविड महामारी के दौरान हम लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी दौरान हमने ये देखा कि हमारे ऊपर धरना प्रदर्शन करने की पाबंदी मनाही की गई, लेकिन उसी समय पे सरकार ने तमाम तरह के हमारे ऊपर हमले किए, निजीकरण के तमाम कानून पास किए, यहाँ तक कि स्कीम वर्कर्स के भी जो हित के कानून थे उनके खिलाफ भी बहुत तरह के फैसले लिए गए हैं। हम तमाम फैसलों के खिलाफ ये हड़ताल कर रहे हैं। हमारा आंदोलन अभी 3 दिन का है, यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो 9 अगस्त को हम अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे।